देखिए वो जो पैसा पकड़ाया भी है, नाम एक कोई क्या आ रहा, लेकिन उनके पीछे 10-100 आदमी या कितने भी आदमी होंगे, तो वो जो पैसा पकड़ा रहा है बस वही नहीं। और अभी ऐसा नहीं कि बस जो नेता मंत्री यहाँ पे कई बड़े बड़े अधिकारी, झारखंड को बस लूटने के लिए कहीं 100 करोड़, कहीं 200 करोड़, कहीं 300 करोड़, और यहाँ जो 300 करोड़ पकड़ा रहा है, और जनता जो गरीब किसान है, मजदूर है, वो 300 रुपये के लिए तरस रहे। तो बस ये लोगों की लाभ है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और दुआ करते जल्दी ठीक हो, दवा और दुआ दोनों चाहिए कि जागिए और अपने राज्य को, जो लूट हो रहा है, जो यहाँ पे चोरी, जो तहलका मचा हुआ है, उससे अपने राज्य को बचाइए और अपने राज्य में ही व्यवसाय कीजिए। जोहार, नमस्कार, मैं हूँ शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। हम बोकारो में हैं और बोकारो में एक कार्यक्रम के दौरान पूजा जी मिले हुए हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार। आपको भी जोहार। कि अभी टाइगर जी अस्वस्थ हैं और आप लोग कार्यक्रम होता है जेबी केसेस का, आप लोग लगातार पहुंच रहे हैं, तो कैसा लोगों का रुझान, कैसा प्यार पा रहे हैं? जयराम जी अभी तो अस्वस्थ हैं। देखिए उनका तबीयत खराब है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और दुआ करते जल्दी ठीक हो, दवा और दुआ दोनों असर करे। और जो वो नहीं आ पा रहे हैं तो उस जगह पे हम लोग जो भी हम लोग सब हैं, सारे को एक भाई बहन मिलके हम लोग जा रहे हैं, और उस जगह पे जो लोगों का प्यार है तो बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वो लोग भी समझ रहे हैं कि वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तो टाइगर की जो दहाड़ है वो सुनने में थोड़ा वो भी दहाड़ने में असमर्थ रहेंगे। और सबसे पहले जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको बीमार करके ही हम लोग हर जगह बुलाए, स्वस्थ ठीक होगा तो अच्छे रूप से वो आएंगे। तो वहाँ का जो वहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ की जनता समझ रही है, उनसे वो नाराज़ नहीं है कि हम लोग बुलाए थे उस डेट पे वो आए नहीं। वो उनका जो प्यार है, जनता का जो प्यार है जयराम महतो के लिए हमेशा बना ही है। वो लोग भी चाह रहे हैं वो जल्दी स्वस्थ हो और फिर से जहाँ जहाँ कार्यक्रम में वो ना जा पाए वहाँ वो दोबारा दहाड़े। लगातार जो झारखंड के लोग हैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो कब तक जयराम जी ठीक हो जाएंगे और जनसभाओं में स्कॉर्पियो के छत पर दहाड़ते नजर आएंगे? देखिए अभी तो वही बोले इलाज चल रहा है, वो कोई बता नहीं सकता कि कब तक ठीक होंगे। वही दुआ कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ठीक हो और उसके बाद वो जल्दी अपनी सभाओं में जाएं और फिर से वो जो गर्जन लोग सुनना चाहते हैं, जो लोगों के कान अभी तरस रहे, ताकि वो स्वस्थ होने के बाद और जोरों शोरों से दहाड़ सके और लोगों को आकर्षित कर सके। जे भी कैसे लोकसभा में आएगी, तो जयराम जी तो अभी अस्वस्थ हैं, तो क्या आप लोग रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं कि लोकसभा की तैयारी पूरी तरह से हो पाए? देखिए वो अस्वस्थ है तो बाकी जो लोग हैं सब काम पे लगे हुए हैं, और ऐसा नहीं कि उनका स्वास्थ्य खराब होने से काम वहाँ पे रुक गया है या सभाएं नहीं हो रही है, सारा जैसा का तैसा है, बस वो आ जाएंगे तो और रफ्तार से सब आगे बढ़ेंगे। क्या लग रहा है कि जिस तरह से सांसद विधायक इस तरह से नोटों का चोरी कर रहे हैं और आप लोग हक और अधिकार के लिए लगातार लड़ रहे हैं, तो किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? तो हम लोग जब से आंदोलन में आए या जब से सभा ये आज आया है जनता के सामने, उससे पहले हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो सारे लोग हैं ये ना आपके नियम नीति सही ला रहे हैं, ना आपके हक अधिकार की बात करें, ना आपके राज्य में स्वास्थ्य अच्छा है, ना शिक्षा अच्छा है, ये लोग बस कहाँ खजाना है, कहाँ खदान है, उसको लूटने पे लगे हुए, हमको कहाँ पे शिफ्ट करना अपना खजाना ताकि लोग ना देख पाए। तो देखिए हमारे झारखंड में अभी कहीं 50 करोड़, कहीं 100 करोड़, कहीं 200 करोड़, कहीं 300 करोड़, और यहाँ जो 300 करोड़ पकड़ा रहा है, और जनता जो गरीब किसान है, मजदूर है, वो 300 रुपये के लिए तरस रहे। तो बस ये लोगों से कहना चाहेंगे कि आप इतना पैसा लेकर जाएंगे कहाँ? अगर वो पैसा नहीं भी पकड़ाता तो पता नहीं वो उतना पैसा यूज़ कर भी पाते अपने आगे वाली ज़िंदगी में, और पकड़ा भी गया तो जो भी आपको जो जनता है उस जगह पे बैठाई है, उस जगह पे देख रही है, तो ईमानदारी पूर्वक जनता के लिए काम कीजिए ताकि आपकी ईमानदारी देख के आपका जब तक जीवन है जनता उस जगह पे आपको सपोर्ट करे। बहुत ज़्यादा पैसा लेकर आप ऊपर नहीं जाएंगे, और ऐसा नहीं कि मनुष्य यहाँ पे रहने ही आया है, जो भी एक दिन आया उनको जाना है ही। तो फिर जनता का जो सेवा है, जो सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आप उन पे खर्च कीजिए और जो लूट मारी हो रहा है ये सब ना करें। ये तो चोरी पकड़ा रहा है तब हम लोग को पता चल रहा है। और ऐसे ऐसे कितने नेता मंत्री होंगे, कितने आपका पदाधिकारी होंगे, अधिकारी होंगे, IAS IPS होंगे, तो वो पकड़ाएंगे तभी चोरी कहला रहे हैं। अभी मान ली इतना नहीं है तो वो तो ऐसे ही सब पैसे को गबन हो रहा है। अगर इन पैसों को सही उपयोग हो पाता झारखंड में तो नहीं लग रहा है कि झारखंड में बदलाव होता? देखिए वो जो पैसा पकड़ाया भी है, नाम एक कोई क्या आ रहा, लेकिन उनके पीछे 10-100 आदमी या कितने भी आदमी होंगे, तो वो जो पैसा पकड़ा रहा है बस वही नहीं। और अभी ऐसा नहीं कि बस जो नेता मंत्री यहाँ पे कई बड़े बड़े अधिकारी, झारखंड को बस लूटने के लिए बनाया है, खनिज संपदा से, पैसों से, मतलब झारखंड आओ लूटो और यहाँ की जनता को भूखे मारो, यही सारा
हमारा जो यहाँ रूल है चल रहा है और बाकी चीज़ों से यहाँ से कोई मतलब ही नहीं रह गया। एक समय था जब तीसरा विकल्प के रूप में नज़र नहीं आ रहा था, पर अब अभी देखें वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो एक तरफ जिस तरह से रुपया लगातार पकड़ा रहा है, दूसरी तरफ छात्र हैं, पढ़े लिखे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो ये लगातार लोगों को जगा भी रहे हैं कि ऐसे लोगों को आप सत्ता में लाइए जो झारखंड का भला कर पाएंगे। तो इस स्थिति में जिस तरह से आप लोग लगातार जनता के पास जा रहे हैं तो जनता का क्या मूड देखने को मिल रहा है आप लोग? देखिए जो युवा है और जनता है, कहीं ना कहीं जो पहले हमारे बुज़ुर्ग लोग भी थे जो उतने शिक्षित नहीं थे, अब सारे लोग वो जो उतने शिक्षित नहीं थे वो लोग भी समझ चुके हैं कि हमारा जो पीढ़ी है, हमारे बेटा बेटी नाती पर नाती जो आने वाला है, ये जो नेता लोग हैं कैसे लूट के उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो वो लोग भी बदलाव करेंगे। बुज़ुर्ग लोग, युवा लोग, जितने भी हैं मिल के बदलाव करेंगे और 24 में इसका असर देखने को मिलेगा। ये माना जाए कि जब अभी लोकसभा का नहीं, विधानसभा का जब तैयारी होगी तो पूजा जी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी ये सब बातों पे हम लोग खुद भी डिस्कस नहीं करते हैं, ना हम ये सोचे हैं, तो आप लोग भी ये सब ना सोचें। फिलहाल मतलब आप लोगों को जगा रहे हैं? हाँ, एक मतलब आंदोलन जो था उससे एक पार्टी का रूप लिया, उसके बाद जो लोगों का जगाना कि किस तरह से, जैसे हमारे राज्य में अभी पकड़ाया इसलिए, या हम लोग ऐसे लोगों के हाथ में दे दे रहे अपना राज्य जिनको ना कुछ मतलब है जनता से, बस वो अपना लूटने, ना आपके शिक्षा में विकास करें कुछ भी, तो वो लोगों को जगा रहे कि आप लोग इसी तरह चले जाएगा, पैसा लेके वोट बेच रहे और लोग आपके राज्य बेचने का काम कर रहे हैं, तो उसको सुधारे, नहीं तो आने वाली पीढ़ी जो झारखंड राज्य में जो यहाँ के मूल निवासी आदिवासी हैं वो बस इतने से जगह में वो सीमित रहेंगे और बाहरी लोग अपना चारों तरफ साम्राज्य फैलाए बैठेंगे। एक सवाल और आपसे हम लेना चाहेंगे, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी का एक बयान आता है, बयान ये रहता है कि BDO CEO हमारी बात नहीं सुनते हैं, राज्य के महामहिम के मुख से अगर ये निकलता है कि BDO CEO हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो उस राज्य का भला कैसे हो सकता है? वही तो बात, ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य और हम लोगों का भी साथ में मिलकर दुर्भाग्य है कि मतलब ऐसे सोच रखने वाले CM को हम लोग उस जगह पर बैठा दिए। आप CM के पद पर है और वो लोग आपका बात नहीं सुन रहे, आप इस राज्य के राजा हैं, आप इस राज्य को चला रहे हैं, तो वो लोग आपका बात नहीं सुन रहे, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। और कहीं ना कहीं अगर नहीं सुन रही है तो आप उतने टाइट से वो लोग से पेश आ नहीं रहे हैं, या वो लोग आपका कारनामा जान रहे हैं कि इसका क्या मतलब हमारे सामने वैल्यू, यहाँ तो खजाना लूटने में ये है वो है, तो कहीं ना कहीं वो अपना वैल्यू भी उनके सामने गिराए होंगे, इसलिए वो जो लोग उनका बात नहीं सुन रहे, जो वैल्यू नहीं लगा रहे, वो अपना जो आप जिस स्तर पे, वो अपना स्तर खुद गिरा बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं CM का भी गलती है। अंतिम संदेश क्या देंगे इस विकट स्थिति में, जयराम जी भी नहीं है, तो अंतिम संदेश झारखंड के लोगों को आप क्या देना चाहेंगे? देखिए झारखंड के लोगों का जो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अंतिम संदेश यही देना चाहेंगे कि जो हमारा राज्य है ये सोना का झारखंड है, ये खनिज संपदाओं से भरा हुआ राज्य है, तो हमारे राज्य में बिजनेस के ये से या बाहरी विधायक सांसद या बहुत सारे बड़े बड़े पद है, या जो हमारा हक अधिकार का पद है जो झारखंडी मूल निवासी आदिवासी का होना चाहिए, वो पद भी बाहरी के लोगों के हाथों में बेचा जा रहा है, तो हम सबसे यही बोलना चाहेंगे कि जागिए और अपने राज्य को, जो लूट हो रहा है, जो यहाँ पे चोरी, जो तहलका मचा हुआ है, उससे अपने राज्य को बचाइए और अपने राज्य में ही व्यवसाय कीजिए, अपने राज्य में ही अपने परिवार के साथ रहिए और सब मिलके नूतन झारखंड के निर्माण में लग जाइए। तो ये थे हमारे पूजा जी जो आप देख रहे होंगे, JBKSS के यूँ कहें तो नारी शक्ति का स्वरूप माना जाए या नारी शक्ति को लगातार मजबूत करने में पूजा जी का अहम रोल रहा है। पूजा जी आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद भैया। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।